देखो कि फिर तुम कभी आई ना, हमारे बिना रोज घबराओगी। बदन पे सितारे लपेटे हुए कोल्ड स्टार्ट में है बाइक, तो फिलहाल चलते हैं। एंड डब्लू वाई का फ़ोन आया था, डब्लू वाई एक्चुअली गुवाहाटी में शिफ्ट किया, तो अभी जाके थोड़ा मतलब संडे है बोल के थोड़ा बाहर जाएंगे। एंड अपना निंजा कोना यहाँ पर वॉश करने का बहुत ज़रूरी है, बहुत गंदा है अभी, को वॉश नहीं किया तो बाहर निकलते हैं। एंड देखते हैं संडे, एक संडे व्लॉग बनाते हैं उसके साथ ना डब्लू वाई को भी मिलते हैं, एंड कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी खींच लेते हैं क्योंकि बहुत दिन से ना अपना फ़ोटोज़ वोटोज तो है नहीं। व्लॉग में ना अपना जो मोटो व्लॉग सेटअप था थोड़ा हाई चला गया था ऐसा, मतलब ऊपर, तो इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं बिकॉज बहुत दिन से मोटो व्लॉग नहीं कर रहा हूँ ना, तो आइडिया चला गया। मतलब मैं तो फिक्स कर लेता हूँ, उसके बाद ना फिर ना जब बाइक चलाता हूँ ना फिर से सेम मतलब ऊपर चला जाता है, पता नहीं क्यों। एकदम कंफर्टेबल ड्रेस में देखो, पूरा शॉर्ट्स पहन के चप्पल पहन के निकल रहा हूँ संडे राइड में। कैसे हो सब लोग, एंड वेलकम टू द संडे व्लॉग। एंड आज है संडे, एंड भाई आप लोगों को बोला था कि डेली व्लॉग्स आएगा, एकदम रेगुलर मोटो व्लॉग का मतलब यही था कि वीक में एटलीस्ट 2 से 3 व्लॉग आएंगे ही आएंगे। थोड़ा इवनिंग का एक राइड मारते हैं क्योंकि आज संडे है, एंड प्रॉपर प्लानिंग तो नहीं हुआ, तो अभी डब्लू भाई सामने कहीं पे है, मुझे जाते हैं डब्लू भाई के पास, अपना निंजा को भी थोड़ा भगाते हैं। एंड संडे में ना मजा ही कुछ अलग है, पूरा खाली रोड देखो, एंड यहाँ पे देखो एक भाई, मतलब मैं यहाँ पे रुका था, भाई आके मतलब मुझे पूछ रहे थे भाई कैसा है, बिग फैन, मैं सारा पहचाना ही नहीं बिकॉज उसका ना जीटी, कॉन्टिनेंटल जीटी था। एंड ये बाइक देखो ना, अभी क्या कौन सा बाइक लग रहा है, इंटरसेप्टर लग रहा है ना भाई, ये इंटरसेप्टर बिल्कुल भी नहीं है, ये जीटी 650 है, आपको दिखाते हैं, ये देखो जीटी 650। तो क्यों चेंज क्यों कराया भाई, प्रॉब्लम क्यों था, क्या था? तो भाई लोग मतलब जीटी 650 के लिए इतना पागल है, भाई ने देखो पूरा यहाँ पे हैंडल पूरा इंटरसेप्टर का लगा लिया, सामने भी इंटरसेप्टर, ये टंकी इंटरसेप्टर का टैंकी कुछ चेंज करा लिया, सिर्फ हैंडल चेंज कराने से हो जाता ये ना भाई, पूरा मतलब जीटी 650 को पूरा चेंज कर दिया इंटरसेप्टर, मतलब कोई पकड़ ही नहीं सकता देखो ये जीटी 650। एंड यहाँ पे देखो फुल सिस्टम लगा लिया, ये देखो फुल सिस्टम कौन सा है, एसएस मोटोकॉर्प। तो भाई ये बाइक देख के ना मुझे मतलब दुख लगता है भाई, अपना भी यही बाइक था, यही बाइक चोरी हो गया था, एंड अभी ऑलमोस्ट 6 मंथ से ज़्यादा हो गया, बाइक का कोई ठिकाना नहीं, आई होप सो मिल जाए, चोर पकड़ा जाए, अपना बाइक फिर से वापस मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं, इसका एसएस मोटोकॉर्प का साउंड चेक करते हैं एक बार। तो भाई आके, भाई मतलब एक्चुअली हरियाणा में रहता है, तो भाई के साथ पहला मुलाकात ना मेरा मतलब शिलोंग रोड में ही हुआ था, ऑन द वे मतलब राइट पे ही हुआ था, तो तब ना इसका रेड कलर का कॉन्टिनेंटल जीटी था, एंड कॉन्टिनेंटल जीटी को देखो ना भाई पूरा 100% फुल चेंज चला लो। तो यहाँ पे एसएस मोटोकॉर्प कितना लिया, फुल सिस्टम कितना आया खर्चा, 32,000 ओरिजिनल एसएस मोटोकॉर्प फुल सिस्टम पूरा पाइप से पूरा, देखो इधर से पूरा आया, इधर से पूरा भाई ने पूरा चेंज करा लिया एसएस मोटोकॉर्प, पकड़ो एक बार। एंड गाइस अभी आपको साउंड चेक कराते हैं, कॉन्टिनेंटल जीटी को इंटरसेप्टर बना के पूरा खर्चा कितना गया, पूरा खर्चा टोटल गिनती नहीं किया भाई, बहुत अमीर है ना भाई। देखो पूरा एक बाइक को ही चेंज करा लिया कि उसको बेच के तुम साला दूसरा लो, फिर भी लगा के रखा है।
मेरा इतना बड़ा कील कहाँ से घुस गया ये देखो। मैंने यहाँ पे अपना डब्लू भाई देखो, ये देखो डब्लू भाई MBBS साला हवा चेक करा हुआ है, सो आए कि ना साफ आंसर हुए। बड़े दिन के बाद। और भाई बाइक पूरा ठीक है ना? फैल्कन ठीक है, बस गाड़ी का हालत खराब है, न्यू टायर में भी पंक्चर हो गया मेरा। टायर का पंक्चर हो देखो, मैं तो पता ही नहीं पंक्चर लेके चला रहा हूँ भाई। मेरा भी ऐसा ही हुआ था। ये देखो यात्रा हो रहा है, यात्रा पहली बार। जिसन भाई का भी इधर टायर पूरा पंक्चर हो गया, लौटे लग गए। ओ क्या मस्त है देखो, हवा मार रहा है, क्लाइमेट बहुत जबरदस्त है। सो गाइस यहाँ पे देखो डब्लू भाई और मैं अभी एक बार वॉकिंग जोन में जाते हैं। और भाई मौसम देखो ऐसा लग रहा है कि तूफान देने वाला है। एंड यहाँ पे मैं और डब्लू भाई थोड़ा निकल चुका है क्योंकि संडे है, अपना तो राइड नहीं हुआ, तो सोचा एक बार चलते हैं इवनिंग राइड में, मतलब शॉर्ट सिटी राइड। एंड अपना एक ही जगह है वॉकिंग जोन चलते हैं। लेट्स गो। जो वेदर है ना भाई, एक नंबर। भाई अपना निंजा को ना 2 नंबर 3 नंबर किसी गियर में भी खींचो ना, ये उतना ही परफॉर्मेंस देगा और आपको ना कभी निराश नहीं करेगा। ये ऐसा बाइक है भाई, बहुत धूल है भाई। एंड गाइस जस्ट चेक आउट द वेदर। एंड यहाँ पे देखो भाई इतना पुलिस है, पुलिस को देख लिया ना ऐसा लगता है कि हमारे लिए पुलिस सामने खड़ा हुआ है। क्या धूल उड़ रहा है गाइस, लगता है तूफान आने वाला है। प्लानिंग तो मेरा तो यही था कि दोनों भाई अभी बाइक स्टार्ट करके थोड़ा आदमी को थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन यहाँ पे डब्लू भाई थोड़ा मतलब डर रहा है। डर नहीं रहा हूँ, मतलब अपना तो गाली खाने का पुराना आदत है, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। हाँ हाँ नहीं करना है, नहीं करना है ऐसा दूसरे को। ऐसे उंगली मारते है देखा, ये बाइक क्या है भाई। एक्चुअली मेरे को भी हुली मारना है एंड मारूंगा पक्का। आप देखो 1-2 महीने में मैं स्टार्ट कर लूँगा अपना प्रैक्टिस। एंड उसके पहले ना यहाँ पे प्रोटेक्टर फॉग जो होता है स्लाइडर्स वगैरह मैं लगा लेता हूँ, बिकॉज अपना बाइक में ना कुछ भी नहीं लगा हुआ इंस्टॉल हुआ है, मतलब गिरने से टूटेगा ही टूटेगा। एंड निंजा एक बार टूटने से कितना आएगा खर्चा वो तो आपको बताइए। तो हुली सीखेंगे अपन भी एंड बहुत जल्दी सीखेंगे भाई, मज़ा तो आएगा। तो आप लोग ना कॉमेंट करो सून नेक्स्ट ब्लॉग में, या फिर हम लोग बहुत जल्दी करने वाले हैं एक ड्रैग रेस बेनेली 600i एंड ये देखो इनलाइन 4 इनलाइन 2 कौन जीतता है, ये पूरा हम लोग अगले ब्लॉग में कवर करेंगे। ठीक है अभी मैं भाई लोग देखो पूरा फुल प्रोफेशनल कैमरा लगा यहाँ पे मस्त। भाई लोग कहाँ से हो? हाँ डाउन टाउन, यहाँ से गुवाहाटी से ना, मस्त है।
यहाँ पे ना शाम को मतलब अलग ही माहौल है, देखा ना बहुत अच्छा है सब लोग। देखो ये देखो सामने देखो पूरा हुईली मारे। मैं कभी हुईली मारूंगा बे भाई, डर लगता है। क्यों भाई, इनलाइन फोर से मार दो भाई, वही तो कंटेंट मिल जाएगा, गिर जाओगे तो। यही बात है भाई, पाँच साल और बाकी है इसका EMI भरना है। अगर इसको हुईली मार के इसको तोड़ दो ना भाई। सो हे गाइस, यहाँ पे देखो क्या नाम है तुम्हारा? मोहसिन आलम। सो यहाँ पे मोहसिन भाई, कितना दूर से, तुमको कैसे मालूम चला मेरा घर इधर है बोल के? कल मैंने आपका वीडियो देखा, मैंने इधर पे वो आता रहता हूँ, मतलब आसपास देख के आया ना। ऊपर ऐसे घर में मत आओ, बाहर बाहर मिलो, ठीक है?